भैया हरिओम। सतराने लगा है, कहने लगा नजरों से दूर हो जा। कह देते हैं कि शाम को कुछ अलग बात होती है, रात्रि में सुबह होता है तो सत्य लग जाता है, दिमाग अपने आप सही काम करने लगता है। आज भीमसेन ने मन में सोची भैया को मारना तो उचित नहीं, इसलिए तो मैं इनको छोड़ के खुद चला जाऊं, वो ही अच्छा रहेगा। एकदम से भीमसेन कहला मैं जाऊंगा, जहां चला जाऊंगा तू मेरी नजरों से दूर हो जा अर्जुन। अर्जुन बोले भैया बता दो कहां जा रहे हो आज। भीमसेन कहने लगा रात वाली गुस्सा मेरी ठंडी ने हुई, मेरी गुस्सा जब ठंडी होगी किसी शेर की शिकार करूंगा जाके जंगल में। अर्जुन कहने लगे भैया तेने शिकार तो कर ले, घर पे ही बने रहो। भीमसेन कहने लगा तुम्हारे जैसा मैं कायर नहीं हूं। तो अर्जुन बोले अगर आज ऐसा जिद्दी है जाते में ता काम की मने करेंगे ताई काम है जी करेगो, नहीं हो तो जो बड़ो बलवान बनतो है जाके अरमान मिट जाएंगे, बड़ो अभिमान है, नहीं हो तो जाए दक्षिण दिशा में नहीं भेज दू। तो एकदम से अर्जुन बोलो भैया ऐसो करियो सुने, सब दिशा में जाइयो लेकिन एक जगह एक दिशा के लिए मत जाइयो। क्या बोले है अर्जुन भीम से सुनो भैया, अरे पूरब जइयो पश्चिम जइयो मती दक्षिण दिश जइयो भैया, ए पूरब जइयो पश्चिम जइयो मती दक्षिण दिश जइयो। आज अर्जुन बोले भैया भीम सब देशन में वीरम चलो जाइयो, पूरब चलो जाइयो पश्चिम चलो जाइयो लेकिन दक्षिण दिशा के लिए मत जाइयो। भीम कहने लगो कायर अब तू मने कर रहा है दक्षिण दिशा की, मैं दक्षिण दिशा में ही जाऊंगा, तू तो कायर बताते ना जा, मैं तो बलवान हूं मैं जाऊंगा। कहा वो भैया अरे रास जवा घोड़ा की पकड़ी ए काली बरतन लेकर के ये कभी दवा लेकर के आगे से आ जाती है। लेकिन भैया भीमसेन कहने लगा है कायरों के लिए सुगुन, कायर मानते हैं हम तो बलवान हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के लिए सुगुन कहा करेंगे। मैं कहा आगे बढ़ो तो भाऊ का भैया अरे ठीक सनम कते आना भाई, आगे बढ़ो तो थी भाई वैसे भी बताया फिर भी नहीं मानता है। कभी लोग बताते हैं कि ठीक सामने की बुरी, भैया ठीक सामने की बुरी कभी न खाली जाए होए कलंक से भेट या जान ले काली जाए, ठीक अपना कभी नहीं छोड़ती। अरे ठीक सलम कते आना भाई तनक नियो विचार ठान दाखिल दिस ठान लई, आज सुगुन नहीं मानता है भीमसेन घोड़ा पर
सवार होकर के भैया दक्षिण दिशा के लिए चल देता है। जैसे ही चला है अर्जुन कह लगो भैया आज तुम मजे चाह के आवेगो जाए रहो। और जैसे ही दक्षिण दिशा में प्रवेश किया है क्या देखता है, एक गौ माता को एक शेर दबाए हुए बैठा है। गौ माता बेचारी डकरा रही है, रो रही है और क्या कह रही है, अरे रोई रही गाय बेचारी। भैया कोई बता मुझे, शेर मुझे मार डालेगा। अरे भैया मर तो के प्राण बचाइयो, दोस्त मेरी करी रहो खुआरी। मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा जिसे लगी है। शेर गौ माता को दबाए हुए बैठा है। भीमसेन ने देखा है हम जैसे क्षत्रिय हो तो गौ माता शेर खा जा मार डाला कभी ना, मैं देखता हूं हुआ क्या। भैया भीमसेन के पड़ी गई कलावाना कया और कहा करो भैया वा शेर को पैर पकड़ के भीम करके भीमसेन ने शेर को आकाश को फेंक दो,
शेर को पतोग ना परो छाल मडरा तर एगो नीचे ही नहीं आयो। वो जा ठोक करके भीमसेन हंसने लगा, देख गौ माता मैं बलवान हूँ, कहाँ है शेर? कहने लगो है तुम तो बड़े बलवान हो, हमी प्राण बचा ले, तुम्हारा जोग जोग जिये, तुम्हारा परिवार, तुम बड़े सदा तुम्हारी उम्र बड़ी रहे। अब तो भैया भीमसेन घोड़ा को लेकर के आगे के लिए और बड़ो दक्षिण दिशा में, तो जैसे ही भैया भीमसेन को देखो कौन है दानव ने, तो कहने लगे हे हमारे दिशा में खुद चल के शिकार आएगी आज तो भैया। का वो भैया अरा दानव टूटे और भीमा पे पड़े राई, एक जो दानव बड़े आगे को और भीमा पे पहुंच आई, आज दानव भैया टूट पड़े भीमसेन पे। भीमसेन कह लो का करेंगे ये दानव, वाल से उन्हें आकाश में फेंक दो, चाल मर रहा तो रहेगा जे दानव का करेंगे वे, वाय ना पतो के चना के दोगे सुना दोगे का करवे जा रहे हो। आवता देखो जब दानव को भीमा मन में गयो वे हरसाई, बहुत दिन मोए बैठे है गए लड़ी वे वीर मिलो ना दारू, कह लो मोए बड़े दिन में बड़े दिन है गए काउ ते लड़ू ना पायो, हो जा भर भर आ रही है लड़वे का जो भीमसेन सोच रहो मन में, आ जा बड़े आगे आज रे लड़के जावे रियत अपने लहू अरमान मिटाई, आज दानव कहने लगे भैया तुम यही सोच रहे हैं ना कि हमसे लड़ोगे हैं, कहने लगे और का हमने काकू कमी है, तो दानव कहा बोले के सुन भैया आप पहलो बार तू अपनो कर ले रही तू पीछे से पछताई, ओ गदा जो मारी अब हिमा से ले मानो पर्वत लियो उठाई, आकस के मारी हरे दानव के बाके असुर भयो का छुनाई, दूजी गदा दई अब हिमा दानव के दानव है ना कछु फरक परो, दूजी गदा मारी है भीमसेन ने दानव के, दानव छाती अड़ाएगा और दे दे भैया जालंग की खुजली अब ना मिटी में जालंग और माप दे हो। अब तो भैया भीमसेन सोचन लगो को तिन के माने पहाड़ सरी के फट जाते है, एक ही गदा तो दानव का जो सरी ना भयो, यही कह रहे हो कि मैं खुजली जाऊलंग की मिटा दे। अब तो सोचन लगो के आज बचवे को ना हाथ जे ना छोड़ दे भैया, और एकदम से दानव के लग क्यों भैया जब दाई तरफ और मार देने एक गदा और मार दे, दानव से भीमसेन बोला भैया देखो ऐसी कोई बात ना, हम तो तुम तो मजाक कर रहे थे हमन जान दे, दानव कहने लगे एक और गदा मार, कपते कपते हाथों से आज भीमसेन ने गदा उठाई, क्यों नहीं भैया जरूर मारेंगे आज तो फंसे गए। अरे जाने तीजी गदा रे उठाई, जाके हाथ गई थार Thank you.
बताई है और कहा सोच रहे हो भैया। भजवे कीरा सलामी लाई मन ही मना सोचन लगो भीमसेन का इन पे ते कैसे निकलूं मैं तो जहां से निकल जाऊं तो बढ़िया रहे जे नहीं छोड़ेगी मुझे आज। भजवे कीरा सलामी लाई इतना विता देखे नजरी घुमाई हरिओ मैं सुन ले तू ध्यान लगाए भीमा मन में सोचन लागो कैसे भैया दान और तुम्हारे से हम आत्मा कछु बेर न हत हमन तुम अपन रास्ता जो तन हमन जान ने कह लो हां हमन मालूम है तुम्हारी गदा हमन कैसे झेली है। अब हमाओ बार आओ तो तुम भगवे की बात कर रहे हो हमाओ बार ना झेलोगे कह लगे तुम्हारी से ये मान जा को बात ना तो कह लगे चल ठीक है हम तो दोस्ती करोगे। यूं से कह लगो है जे दान अब दोस्ती दोस्ती तो ठीक हो रहेगी शायद बच जाएंगे। का करो भैया दानव ने हाथ मिला ले आज तू रणभूमि के बीच हामी भीमाना भरे सो हाथ निगवे बीच भीमसेन हामी ना भर दो हाथ पीछे को लगा ले हमें के लगे तुम्हारी से भैया दूते ही राम राम बढ़िया है भाई दो। दानव ने कहा करो हाथ तो पकड़ी झटका दो कांख में लो दवाई दावी कांख के बीच में सो घर को चलो लिवाई हाथ पकड़ को झटका दो सो जो चना चवारे हते दाना बनी झोरी में डाल लो। आज भैया लेके दानव कह लगे चलो हमारी घरवाई और हम सब बड़े अच्छो मांस है मोटो ताजो है और मैं घर पे बैठे के खावेंगे। आज भीमसेन ने भैया मैया हिंगलाज वाली को दुर्गा को आहा सुमरण स्पर्श कियो है हे माँ मेरे प्राण बचा ले आज सुमरण किया है तो मैया जगदम्मा आई गई और दानव में एक ही मुष्ट का मारी दानव नष्ट कर दो। आज दानव खत्म है तब तो भीमसेन आहा कांख में वाए के नीचे दबो धरो दानव की तो निकल ना रो। जब मैया ने हटाओ निकारो और मैया कहने लगी जा बेटा आराम से भीमसेन कहने लगो मैया मोह तो जीना माल में हम कहाँ रहते थे हम कौन सी दिशा के हम के जाएंगे कहाँ कह लगे न्यो चलो जा। और मैया बोली जगदम्मा के बेटा भीम अब मत आइयो तू हाओ तो भीमसेन कह लो मैया तू आई वही बात कर रही है सुने हाय के अब के बच जाओ मैया अब के बच जाओ फिर तो भूल कदम नहीं देंगो मैया। भैया जबी से श्राप लगा हुआ है के दक्षिण दिशा के लिए ना तो अपने घर का कोई द्वार करता है दरवाजा ना कोई पैर करके सोता है और भीमसेन चल दो मैया अंतर ध्यान है गई
जैसे ही भीम आगे के लिए बड़ा सुल्तान अपने पतो पर है जी तो जाने तुम्हारा भैयो मार दो जी कड़ हो जाए रो पकड़ लो पीछे दाना पड़ गया हुआ क्या आगे भीमा भाग तू जावे भगत जा रो भैया बाकी बच्चे को तो ना आए रो अरे जो सही कह दो कद्दक इंद सामने जाइयो लेकिन मैं मानी ना है को साम बात